सर मेरे पास ये सॉफ्टवेयर पर दो व्यू आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं दो? व्यूज एक व्हाइट में और एक ब्लू कलर में। जो ये बटन लगाया ना मैंने कि सर इसी तरह से रहे, उसकी क्या वजह मैं समझा नहीं आपकी बात। अभी भी दो आ रहे हैं सर? ये बटन्स लगाए ना जिस तरह आपने, ये स्क्रीन बटन। के ऊपर शो हो रहे हैं। अच्छा वो ठीक है, मैंने आपकी भी क्वेरी से इसी रिगार्डिंग यहाँ पे आएंगे ना आप इस बटन के ऊपर, सिलेक्ट डिजाइन सरफेस, तो सर। आपको जो है ना इस वक्त ये सिलेक्टेड होगा आपके डिजाइन प्लस ब्लूप्रिंट। ठीक है, वो आपको उसका ब्लूप्रिंट भी दिखा रहा है साथ में। ब्लूप्रिंट का ये फायदा होता है कि कोई कंपोनेंट्स आपके समटाइम्स आपको नजर नहीं आते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि आपने जो उसके लिए कलर सेटिंग या जो स्टाइल सेलेक्ट किया होता है वो आपको आपके डिजाइन व्यू के अंदर नजर नहीं आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेक्स्ट व्यू यूज कर रहा हूँ तो टेक्स्ट व्यू का बैकग्राउंड व्हाइट है, ठीक है, तो मुझे वो नजर नहीं आएगा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। तो आपका ब्लू प्रिंट इसलिए आपको विजिबल कर रहा होता है सारे कंपोनेंट्स को, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा होते आपके आम डिजाइन के अंदर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से ठीक चेंज कर लें डिजाइन में, तो आपको एक ही नजर आएगा। गया सर। अच्छा, हम ये देख रहे थे कि हम इसका जो कलर है वो किस तरह से चेंज करेंगे। टेक्स्ट कलर जो है, इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर की, वो हम चूज करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली जो भी हमारे रिक्वायर्ड कलर की सिलेक्शन है वो हम उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। ठीक है, इसमें अगर हम इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज है और उसको हम इंक्रीज कर देंगे, देखें कितना इंक्रीज होता है। अच्छा, नेक्स्ट ये देखें कि आपके पास नीचे वार्निंग विंडो के अंदर कुछ वार्निंग्स आ रही हैं। ठीक है, आप उस वार्निंग को ओपन करें और हर वार्निंग के ऊपर क्लिक करें तो आपको ये अलग एक बॉक्स के ऊपर जो है ना आपके एलिमेंट के ऊपर ले जाता है आपको, और लिखा हुआ है हार्ड कोडेड टेक्स्ट। हार्ड कोडेड टेक्स्ट का मतलब ये है कि मैंने जो इसके अंदर जो स्ट्रिंग इस्तेमाल की है ना इस बटन के लिए, वो मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे यूज की है। आप देखें यहाँ पे मैंने इसके टेक्स्ट एंटर किया था, यहाँ पे एंटर, वो मैंने हार्ड कोड किया, यानी मैंने खुद लिखा है वो। ठीक इससे आपकी एप्लीकेशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसकी जो अपेयरेंस है ड्यूरिंग रन टाइम उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गुड प्रैक्टिस है ये उसमें शामिल नहीं है। तो गुड प्रैक्टिस के क्या करना पड़ेगा हमें, हम इसको, मैं वार्निंग विंडो को बंद करूं ताकि आपको जो है वो थोड़ा सा व्यू क्लियर आए। हम इसकी दोबारा से कोडिंग वाली विंडो पे जाएंगे जो कि इसकी एक्सएमएल फाइल है, उसके अंदर स्पेसिफिकली एंटर बटन को प्रेस करें। आपको बताया गया कि ये एलिमेंट जो है ना ये जो टैग विद एट्रीब्यूट्स है ये सिर्फ एंटर बटन का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी एंड्रॉयड टेक्स्ट एंटर, ये इसका एट्रीब्यूट जो हमने सेट किया है जो कि आपको अपीयर कर रहा है उसकी वैल्यू को टेक्स्ट को। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे रहा है एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने से आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा, इसमें आप जो है वो स्ट्रिंग का रिसोर्स नेम आपको नजर आ रहा है और उसकी वैल्यू नजर आ रही है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपकी इस स्ट्रिंग को जो कि आपने हार्ड कोड की है उसका एक वेरिएबल डिफाइन कर देगा, कहाँ पे नीचे उसका फाइल नेम मेंशन है। ठीक है, कहाँ पे मेंशन करेगा, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल के अंदर। ये हमने फाइल अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं उनके वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एंटर के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर देगा स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर, और वो जो वेरिएबल है हम वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हमने उस वेरिएबल का नाम जो रखा है वो एंटर ही रखा है विद स्मॉल लेटर्स, और हम इसको जो है ओके कर देते हैं। तो अब देखें कि यहाँ पे जो टेक्स्ट एंटर लिखा हुआ था पहले, अब वो चेंज हो गया है एट द रेट स्ट्रिंग स्लैश एंटर के साथ। ठीक है, ये एक वे है इसका करने का।
मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि हम इसको दूसरे वे से कैसे कर सकते हैं। अभी हम दोबारा से डिजाइन के अंदर आते हैं। आप देखें आपकी यहाँ पे भी वैल्यू अपडेट हो गई है और साथ में जहां पे आपने टेक्स्ट लिखा था एट्रीब्यूट्स के अंदर वो वैल्यू भी अपडेट हो गई है। इसका मतलब ये है कि एट द रेट स्ट्रिंग आप कहाँ से उठा रहे हैं, स्ट्रिंग वाली फाइल से क्या उठा रहे हैं, वेरिएबल एंटर। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल की फाइल है इन रिसोर्सेस उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। ये देखें, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एप्लीकेशन नेम आपका डिफाइन करता है विद ऐप नेम वेरिएबल, ठीक है, वो वीक 4 के नाम से इसने डिफाइन किया हुआ। अभी जो हमने जो एक्टिविटी की है, रिसोर्स डिफाइन किया है, उसने ये जो स्ट्रिंग है उसको भी एंटर कर लिया। अगर मुझे कोई और स्ट्रिंग भी डिफाइन करनी है जैसे कि प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए, तो क्योंकि उनके भी हार्ड कोडेड वार्निंग्स आ रही हैं तो मैं वो भी डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले मैं दोबारा से अपना लेआउट देखना चाहूंगा। आप देखें, आपने जो स्ट्रिंग डिफाइन की है जो कि गुड प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए की है, तो आपकी स्ट्रिंग के सामने से जो वार्निंग थी वो भी खत्म हो गई है। अब बाकी दो बटन्स के सामने वार्निंग आ रही है, तो हम दोबारा से स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं हमारी प्रीवियस और उसकी वैल्यू को। वो वैल्यू क्या है आपकी, लेस देन साइन और साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप लेस देन साइन ना यूज करें क्योंकि आपकी वो उसके साथ जो है वो कंफ्लिक्ट आएगा आपके जो टैग हैं उनके लेस देन और ग्रेटर देन के साथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये किस लिए मैंने किया है, फॉर नेक्स्ट बटन के लिए। अभी आप देखें अपने एक्टिविटी मेन के अंदर कि अभी भी जो है आपने वहां पे स्ट्रिंग के अंदर तो डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो है ना इनके आगे वार्निंग आ रही है, ठीक है। आप जो है इस बटन को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट हो गया, आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे देखें आपका जो टेक्स्ट है ना अभी भी हार्ड कोडेड है, तो उसको आप इस तरह से खत्म कर सकते हैं। आप किसी फाइल को जब कॉल करते हैं आप लिखते हैं एट द रेट, ठीक है, और उसके साथ आपने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल को यूज करना है ना, तो आप लिखते हैं स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग फाइल को एक्सेस करें ना, तो आपने लिखना है स्ट्रिंग स्लैश किस वेरिएबल को लेके आना है, स्ट्रिंग से आपने प्रीवियस को लेके आना है, वो आप नीचे लिस्ट में भी देखेंगे। तो ऐसा करने के साथ ही आपका जो वार्निंग है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस है, इसलिए आपको साथ साथ ये वार्निंग्स भी देता रहता है, ठीक है। दूसरा इसमें और चीज जो है एक्सप्लोर करने की वो ये है कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर किस तरह से एक जो लेआउट है उसके अंदर किस तरह से फर्दर लेआउट्स को आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इसी लेआउट के अंदर, सॉरी मैं वर्टिकल को भी लेके आता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ है कि इसने इन तीनों बटन्स के साथ, क्योंकि हम कौन सा लेआउट यूज कर रहे हैं, हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल लेआउट को उसने यूज किया है। हॉरिजेंटल जो होता है वो आपकी जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनको प्लेस करता है वन टू द नेक्स्ट, ठीक है। तो इसने इस वर्टिकल लेआउट को भी जो है वो तीनों बटन्स के आगे जो है प्लेस कर दिया, ठीक है, जो कि सही नहीं है। हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से,
इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो लेआउट है बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है, ठीक है? वो आपकी जितनी भी जैसे भी नीड है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डिसाइड करना है। हो सकता है कि आप इस लेआउट को तब यूज कर सकें जब आप लिस्ट बना रहे हैं डिफरेंट, ठीक है? यहाँ पे आपकी सीरियल नंबर्स आ रही हैं, यहाँ आपकी जो है वो कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पे आपके नाम आ रहे हैं, तो आप उस तरह से लेआउट को डिसाइड करेंगे अपने एप्लीकेशन के लिए ताकि वो लेआउट आपका जो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं उसमें हेल्प आउट कर सके। अब हम जो फाइल है हमारी, बेसिकली हम देखते हैं कि हम इन फाइल्स की मदद से किस तरह से एक नया लेआउट बना सकते हैं। आपको पता है कि लेआउट्स आपके जो है रिसोर्स फोल्डर के सब फोल्डर के अंदर लेआउट के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है? ये एक्टिविटी मेन, जो मेन एक्टिविटी का लेआउट है, आप इसके अंदर इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मेन्यू ओपन होता है जिसके टॉप पे न्यू लिखा होता है, ठीक है? न्यू के अंदर आप डिफरेंट जो है वो क्लासेस बना सकते हैं, लेआउट्स डिफाइन कर सकते हैं और फर्दर चीजें जितनी भी आप डिफाइन कर सकते हैं इस लिस्ट के मुताबिक। तो आप लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप न्यू लेआउट करें, उस लेआउट का नाम आप रख दें वो कुछ भी हो सकता है, वो साइन इन स्क्रीन हो सकती है या कुछ और चीज भी हो सकती है। एक वे ये है कि आप खुद से डिफाइन कर दें, ठीक है? दूसरा एक और वे भी होता है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को डिफाइन करता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस तरह से डिफाइन करें लेआउट को ताकि आप एक एक चीज को सीखते जाएं साथ साथ, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, दो लेआउट्स हैं, एक मेरा मेन एक्टिविटी लेआउट है और दूसरा क्या है उस स्क्रीन के बाद मैंने, जैसे कि आपने मोस्टली एप्लीकेशंस के अंदर देखा है कि आपकी जो लोडिंग स्क्रीन होती है वहाँ पे लोगोस लिखे होते हैं या थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लिखी होती है या ये लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन ये काम करती है, आप स्लाइड करते जाते हैं और लास्ट स्क्रीन के ऊपर क्या होता है कि आप साइन इन या गेट स्टार्टेड का बटन लिखा होता है ताकि आप मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाएं अपनी एप्लीकेशन के, ठीक है? तो सपोज कर लें कि एक्टिविटी मेन जो है वो आपकी इनिशियल स्क्रीन में से है और नेक्स्ट लेआउट जो है वो आपकी एप्लीकेशन की स्क्रीन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं अब एक और चीज देखते हैं हम कि आप इमेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? सही है, ड्रॉएबल में पड़ी होती है। आपकी एप्लीकेशन में जितनी भी इमेजेस या शेप्स यूज होंगी वो कहाँ पड़ी होंगी, आपके ड्रॉएबल में पड़ी होंगी, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इमेजेस को लेके आ सकते हैं वहां पे, ठीक? तो मैंने एक, आप जो भी इमेज लाना चाहते हैं अपने ड्रॉएबल्स के अंदर वो आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे जहाँ पे भी आप उसको रखना चाहते हैं, ठीक है? तो ये मैं रिफा इंटरनेशनल कॉलेज का लोगो है उसको प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैंने उस लोगो को जहाँ पे वो पड़ा हुआ था वहाँ से कॉपी किया है और इस ड्रॉएबल के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने पेस्ट कंट्रोल वी स्पेस जो है ना वो प्रेस किया है, तो वो क्या है कि आपके ड्रॉएबल के अंदर अब इस वक्त वो इमेज आ गई है, ठीक है? अब आप सिंपली इस इमेज को पिक करते हैं। जी सर, एक दफा दोबारा बता दिए किस तरह इधर कॉपी किया इसको? मैंने जिस इमेज को लेके आना है ड्रॉएबल के अंदर मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूँ अपनी ड्राइव के अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है? और उस इमेज को मैं लेके आऊंगा, उस इमेज को मैं वहां से कॉपी करूंगा जैसे मैं आम फाइल्स को कॉपी करता हूँ डिफरेंट फोल्डर्स में प्लेस करने के लिए, मैं कॉपी करता हूँ चीजों को, ठीक है? उसी तरह मैं उस फाइल को कॉपी करूंगा कंट्रोल सी के साथ और अपने ड्रॉएबल्स के ऊपर आके मैं पेस्ट कंट्रोल वी करूंगा। तो ये मुझे पूछ रहा है कि कौन से फोल्डर के अंदर, तो मैं ड्रॉएबल के अंदर, क्योंकि ड्रॉएबल के भी दो फोल्डर्स होते हैं। अगर आप इसकी, इस अपने प्रोजेक्ट की जो फोल्डर है आपकी ड्राइव के अंदर उसके अंदर जाके देखें तो आपको ये मिलेंगे दो फोल्डर्स, ठीक है? ड्रॉएबल और ड्रॉएबल वर्जन 24। तो आपने बेसिकली ड्रॉएबल के अंदर पेस्ट करना है, ठीक है? और ये आपको ऑप्शन दे रहा है उसका नाम आपने चेंज करना है, तो आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है?
दूसरा कन्वेंशन इसमें नाम चेंज की क्या होती है कि आप अंडरस्कोर के साथ जो है ना नाम नाम को रखते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस अच्छी है कि आप जो है वो जितने भी इमेजेस यहाँ पे प्लेस करें उनकी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो अकॉर्डिंगली यूज करें जो आपको प्रेफर्ड है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ये जो है ये सही नहीं है या हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस लोगो को अब मैं अपनी स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ, इमेज व्यू यूज करता हूँ मैं। इमेज व्यू जब मैं यूज करता हूँ तो मैं इसमें उसकी जो है अब डायरेक्टरी बताऊंगा कि किस डायरेक्टरी से जो है वो इमेज लेके आना है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैं लोगो अपना ड्राइवल में लेके आया हुआ हूँ वो आपको RIC लोगो यहाँ पे अवेलेबल है, या आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद आप इसको अकॉर्डिंगली रिसाइज करें, जहां पे आपने इसको यूज करना है वहां पे प्लेस करें, क्योंकि ये कौन सी लेआउट में यूज कर रहा हूँ, कंस्ट्रेंट लेआउट यूज कर रहा हूँ। तो आप इसको बाइंड करेंगे अपर लेफ्ट राइट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज सीखने वाली वो ये है कि जैसे ये कंपोनेंट मैंने रखा है इमेज व्यू का, ठीक है। अब इस इमेज व्यू को मैं अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे कितना मार्जिन देना चाहता हूँ कि वो स्क्रीन से जब भी शो हो तो ये ना हो कि छोटी स्क्रीन के लिए वो जो है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिवली अपने आप को जो है सेट करेगा इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन, जैसे कि इसकी सेटिंग होगी, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि जब भी मैं इसको छोटी स्क्रीन के ऊपर ओपन करूँ तो ये बिल्कुल जो है वो दोनों साइड से अटैच हो रहा हो। तो मैं यहाँ पे इसको मार्जिन दे देता हूँ 15 और यहाँ से भी इसको 15 का मार्जिन दे देता हूँ। इससे क्या होगा कि ये एटलीस्ट 15 मार्जिन के साथ जो है ना अपने आप को सेंटर्ड लाइन करेगा उस छोटी स्क्रीन के लिए भी, ठीक है। और नेक्स्ट मैं ये देखता हूँ कि अगर मुझे फर्दर कंपोनेंट्स लेके आने हैं तो मुझे कौन कौन से कंपोनेंट्स लेके आने हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी जो असाइनमेंट है उससे रिगार्डिंग भी है। मैं थोड़ा सा इसलिए भी गाइड करना चाह रहा हूँ क्योंकि इनिशियल फेजेस के ऊपर जो भी असाइनमेंट्स हैं उनमें मैं थोड़ा सा लीनियंट होना चाहता हूँ, आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना भी चाहता हूँ। तो आपकी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग एक चीज़ तो आपको पता चल गई है कि आपने इमेज को कैसे सेट करना है। बाकी जो फर्दर फील्ड्स हैं वो मैंने कुछ लास्ट वीक में भी एक्सप्लेन की थी, कुछ जो है ना वो अभी हम देख लेते हैं। आप जब एडिट यहाँ पे एंटर करते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी एडिटेबल फील्ड्स मिलती हैं, ठीक है। ये क्या है, जिनके अंदर आप टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट से रिलेटेड दो जो है ना मोस्ट ज्यादा यूज होती हैं, वो एक होती है एडिट टेक्स्ट और एक होती है टेक्स्ट व्यू, ठीक है। दोनों का नाम से जाहिर है कि भाई एडिट टेक्स्ट क्या करती है, एडिट टेक्स्ट बेसिकली आपकी आपकी टेक्स्ट को एडिट करने वाली फील्ड्स हैं सारी, जैसे कि आप कोई फोन नंबर एंटर करते हैं, ईमेल एड्रेस एंटर करते हैं, पोस्टल एड्रेस, डेट वगैरह इस तरह के, ठीक है। और जो टेक्स्ट व्यू है वो बेसिकली आपको एक टेक्स्ट का व्यू देती है, सिंपल, आप उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है मेन। तो अकॉर्डिंगली जैसे हमारी असाइनमेंट थी उसको हेल्प आउट करने के लिए थोड़ा सा, तो आपसे पूछा गया था यहाँ पे ईमेल एड्रेस, और इसी तरह इससे रेलेवेंट आपसे एक और चीज पूछी गई थी, मे बी पासवर्ड है, ठीक है। अब इसमें आप इसको किस तरह से जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट लेके आएंगे, आप एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, एट्रीब्यूट्स में आपके पास हिंट होता है एक एट्रीब्यूट, हिंट एट्रीब्यूट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपका प्लेस होल्डर बन जाएगा आपकी इस एडिट व्यू का, ठीक है। एंटर योर नेम, ये नाम, सॉरी ईमेल के लिए है तो एंटर योर ईमेल, ठीक है। इसमें क्योंकि आप देखें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका आईडी होता है, ठीक है। आपने इस आईडी को भी अकॉर्डिंगली सेट कर देना है। आप ये कर सकते हैं इसका कि आप ईमेल यहाँ से गेट कर रहे हैं
तो इसको कर दें, और ये है एडिट टेक्स्ट, तो इसको कर दें ईटी, इससे पता चल जाएगा ये एडिट टेक्स्ट है और क्या है ईमेल, ठीक है, और इसको सेव कर लें। ये आपका वेरिएबल सेट हो गया, ठीक। ये आपका वेरिएबल सेट हो गया, यहाँ पे भी नेम चेंज हो गया है, और आप देखें यहाँ पे हिंट भी जो है वो आपका सेट हो गया है, जो कि आपने यहाँ पे लिखा था एंटर योर टेक्स्ट ईमेल सॉरी। तो आप इसको भी जो है वो कंस्ट्रेंट करेंगे, ये भी कंस्ट्रेंट नहीं हुआ, मेरा माउस क्लिक जो है ना वो समटाइम प्रॉब्लम करता है, तो प्रॉब्लम आप सबके साथ नहीं है, टीचर्स के साथ भी है। तो इसको जो है वो मैं सॉरी इसको बाइंड कर दूंगा इसके साथ, ठीक है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे, और फिर इसको दोबारा से प्लेस कर दूंगा इसकी एक्चुअल पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास रह गया है टाइम तकरीबन 15 मिनट का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो बाकी जो रिक्वायरमेंट है असाइनमेंट के अंदर आप उसको भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से जो है वो मोबाइल के ऊपर आप इसको रन कर सकते हैं। नुमान क्वेश्चन पूछ लें जल्दी से। चलिए, मैंने पूछना था ये हम बाइंड किस लिए करते हैं सर? ये बेसिकली कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके लिए बाइंड करते हैं आप, ठीक है। ये लेआउट ही ऐसा है कि ये आपको रिस्पॉन्सिव जो है ना वो व्यू देता है, ठीक है। जो भी कंपोनेंट्स हैं इसके वो आपको रिस्पॉन्सिवली जो है ना ऑटोमेटिकली स्क्रीन की विड्थ और हाइट के साथ एडजस्ट करेंगे, लेकिन जब तक आप उसको बाइंड नहीं करते हैं, यानी कि उसको बताते नहीं कि इसकी प्लेस इसके बाद आएगी, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको बताया है कि इमेज के बाद इसने आना है, तो आप अगर ये बताएंगे नहीं जब एप्लीकेशन रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं जिनको आपने बाइंड नहीं किया है, वो सभी कंपोनेंट्स जो है ना स्क्रीन के डिफरेंट लोकेशंस पे आ रहे होंगे या टॉप पे आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो बाइंड करना इसलिए जरूरी है कि बताना है कि इस एलिमेंट के बाद इसने आना है, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट लेआउट है, ठीक है। हर लेआउट की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बटन वाली लीनियर लेआउट के अंदर बताया था कि जो हॉरिजेंटल है वो क्या कर रहा है कि हर कंपोनेंट को टॉप से बॉटम उसमें अलाइन कर रहा है नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। और ये कंस्ट्रेंट बेसिकली इस तरह से काम करती है। और आपने कौन सी कंस्ट्रेंट लेआउट, आपने कौन सी लेआउट चूज करनी है, ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर, आपके डिजाइन के ऊपर, आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। ठीक है सर, मुझे थोड़ा सा सेटअप करने दें फॉर मोबाइल, ताकि मैं आपको मोबाइल पे स्क्रीन शो कर सकूं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं आप शेयर करता चलूं वो ये है कि इस वक्त मेरी इस प्रोजेक्ट के अंदर दो लेआउट्स हैं मेरे, ठीक है। इन दोनों लेआउट्स को जब मैं रन करूंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो कौन सा लेआउट पहले नजर आएगा और कौन सा बाद में नजर आएगा, क्योंकि मैंने इसकी बैकएंड कोडिंग नहीं की है अभी, ठीक है। तो मेनली वही स्क्रीन मुझे नजर आएगी जो मेरी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन है अभी, क्योंकि इसकी जो बैकएंड कोडिंग है मेन एक्टिविटी की, उसमें ये सेट है, सेट कंटेंट व्यू आर, यानी कि आर रिसोर्सेज के अंदर, ये रिसोर्सेज का फोल्डर उसको आर कहते हैं, आर डॉट डॉट लेआउट, यानी कि लेआउट्स में से सब फोल्डर में से क्या चीज, एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन यहाँ पे जो है वो मेरी स्क्रीन पे नजर आएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रन कर दूं ताकि ये ग्रेडल बिल्ड करे, और इस वक्त जो मुझे स्क्रीन नजर आएगी वो मुझे ये नजर आएगी मोबाइल के ऊपर, ठीक है। और साथ में मैं आपके एक और चीज भी जो है वो कर दूं, अपनी स्क्रीन को भी आपके साथ शेयर कर दूं। तो बेस्ट यही है कि अपनी यूएसबी केबल्स को यूज करें अपने मोबाइल के साथ, ठीक है। और
फिर जो है वो, क्योंकि जितने भी मैं समझ सकता हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज ऐसे नहीं है फिल वक्त के लिए कि हम एंड्रॉइड स्टूडियो को रन कर सकें, ठीक है, या इसमें काम कर सकें, लेकिन रिक्वायरमेंट है हमारे इस कोर्स की, तो हमें कुछ ना कुछ करना ज़रूर है, ठीक है। तो उस हवाले से अगर हम ये कोशिश करते रहेंगे और उन सॉल्यूशंस की तरफ देखते रहेंगे कि जो हमारे हम रीजनेबल रिसोर्सेज के साथ वो काम कर सकते होंगे। मैं मोबाइल के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब इसको इसका एमुलेटर यूज़ करेंगे तो आपके एमुलेटर यूज़ करने से हो सकता है कि आपकी विंडो स्टक हो जाए, डिपेंड अपॉन आपकी रैम क्या है, आपका प्रोसेसर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों के सिस्टम बहुत अच्छे भी हों, तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप लोग जो है ना वो इसको यूज़ करें, ठीक है, मोबाइल अपनी डिवाइस को, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को इजीली रन करके देख सकें। अच्छा, यहाँ पे कोई एरर है, ठीक है, एरर देखें क्या कह रहा है कि आपने जो इमेज का नाम लिखा है ना, वो आपका लोअर केस में होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लोअर केस में चेंज कर लेते हैं। मैंने इसको रीनेम कर लिया है लोअर केस के ऊपर, ठीक है। दोबारा से इसको रन करके देखते हैं कि क्या इशू है। होपफुली अभी इशू नहीं आएगा कोई भी। जब तक मैं अपनी स्क्रीन जो है वो मिरर करने की कोशिश करता हूँ।